झूठी सरकार मुर्दाबाद, निकम्मी सरकार मुर्दाबाद, नमस्कार दोस्तों। आज से 78 साल पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया था। 9 अगस्त के मौके पर देश के 10 ट्रेड यूनियन ने मिलकर बीते रविवार को भारत बचाओ सत्याग्रह आंदोलन चलाया। ये सत्याग्रह सरकार द्वारा कोरोना महामारी को अवसर में बदलकर कर्मचारी विरुद्ध नीतियों को उपयोग में लाने के खिलाफ था। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार मानवीय अधिकारों पर हमला कर रही है, जैसे कि वेतन वृद्धि पर रोक, LTC, श्रम कानून खत्म करना, ड्यूटी का टाइम 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करना इत्यादि। इसी के साथ सरकार संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने में लगी हुई है। रविवार को कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 हुड्डा पार्क में कर्मचारियों ने इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और नारेबाजियां की। चार महीने के जितने भी निर्णय है, आप साथियों को याद होगा, पहले भी आप आंदोलन करते थे और उन आंदोलनों में जो हम मांग करते थे और जो सरकार की पॉलिसी का विरोध करते थे, असल में तो ये जब कर्मचारी मजदूर संगठन इकट्ठा हुए, उन्होंने पूरा निचोड़ ये निकाला कि ये असल में अवसर है देश के तमाम संसाधनों को, देश की सार्वजनिक संपत्ति को कैसे पूंजीपतियों को हैंडओवर किया जाए, कैसे उनके लिए उपलब्ध करवाया जाए, ये यही काम चल रहा है। आज आपने देखा होगा अखबार, अगर आप पढ़ रहे हो, हमारे देश के जो सबसे बड़े पूंजीपति हैं, सबसे बड़े जो भगवान जो व्यक्ति हैं, वो अंबानी जी और वो अंबानी जी जो है वो दुनिया के जो सबसे अमीर है, आज वो चौथे पायदान पर पहुंच गए। लॉकडाउन से पहले उनकी कई सारी कंपनियों पे कब्जे थे, वो सारे कब्जे उतार दिए, 10वें नंबर पे आ गए, फिर 7वें पे आए, 5वें पे आए और आज अखबार में पढ़ लेना वो चौथे नंबर पे पहुंच गए। तो ये है, तो अवसर है देश के जो बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं उनके लिए तमाम पूंजी को लुटाया जा रहा है, उनके घर भरे जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो है एक तरफ विभागों को उनके हवाले किया जा रहा है, और जो कानून है जो मजदूरों को कर्मचारियों को जो उनके लिए सेफ्टी के लिए उनको रोजगार सुरक्षित करने के लिए वो सभी कानून बदले जा रहे हैं। तमाम ट्रेड यूनियन जो कानून है हिंदुस्तान के, और वो एक सरकार नहीं है, अपने देश के अंदर 13 राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों के अंदर बदलाव किए, काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 कर दिए, और ये सरकार कोई अकेली बीजेपी साथी सरकार नहीं है, इसमें कांग्रेस की भी सरकार है, इसमें जो है और जो लोकल पार्टियां उनकी भी सरकारें हैं, सबने कानूनों के अंदर संशोधन किए हैं। अगर कोई सरकार बची हुई है पार्टी का अगर जिक्र कर ले तो एक सरकार बची हुई है केरल की, जहां पर लाल झंडे की सरकार है, कम्युनिस्टों की सरकार है। केवल उस सरकार ने कहा कि ना हम काम के घंटे बढ़ाएंगे ना हम कानून खत्म करेंगे, और वही सरकार है जिसने इस बीमारी से लड़ने के लिए भी पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया है, बीमारी से लड़ने के लिए भी, लोगों को मदद पहुंचाने के लिए भी, और यह भी कि हम किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाने देंगे, क्यों एक सरकार है बाकी तो नहीं। इसलिए आज हम यहां इकट्ठे होते हुए दो तीन बातें जो है हमें बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है साथियों। नंबर एक, ये कोरोना की जो संकट है महामारी, इससे तो अपन निकल जाएंगे, इसका भी डर ज्यादा बिठाया जा रहा है, इसको जो है इस वजह से डर बिठाया जा रहा है कि लोग सड़कों पे ना आए। आज जो बेरोजगार हो गए, जो भुखमरी के हालात में पहुंच गए हैं, वो डर के मारे घर से ना निकले, ये डर इसलिए बिठाया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर आज हम इकट्ठा नहीं हुए
आज हम सड़कों पे नहीं आए तो आज तक जो भी हमने हासिल किया है इस 70-75 साल की आजादी में, वो सब जो इस्तेमलिया में होना है, इसलिए इकट्ठे होने की जरूरत है, इसलिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है, इसलिए जब ये एक्ट लगा हुआ है, जब कानूनी बंदिशें हैं, तब ट्रेड यूनियन और कर्मचारी मजदूर संगठनों किसान संगठनों ने आह्वान किया कि तुम्हारा कानून हम तोड़ेंगे। और आज नारा यह दिया है 9 अगस्त 1942 को जब देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में नारा था 9 अगस्त को नारा दिया गया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज नारा है देश बचाओ, सेव इंडिया। इंडिया का मतलब यह है कि जो भी आज तक हासिल किया है उसको बचाया जाए, यहाँ की जनता को बचाया जाए, मजदूरों को, किसानों को, मेहनत करने वालों को बचाया जाए, उनके रोजगार को बचाया जाए, हमारे देश के संविधान को बचाया जाए। इसलिए आज के इस आंदोलन का अपना महत्व है और निश्चित तौर पर जब हम आज यहाँ अपनी सभा कर रहे हैं तो देश के कोने में, अलग अलग कोने में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। और ये बात हम आखिरी बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कि ये जीने मरने की लड़ाई है, आप इसको साधारण लड़ाई मत समझे। जो गौड़ प्रताप कह रहे थे, हमारे जो आने वाली जो नस्लें, हमारे जो बच्चे, उनका भविष्य क्या होगा, ना पढ़ाई है, ना रोजगार है, ना खेती है, उद्योग धंधे चौपट है, अभी भी जो है उद्योग जो है वो 30-35% से ज्यादा नहीं चल रहे हैं। और हम सरकार को ये बार बार कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पूंजीपतियों को तमाम तो छूट दे दो, वो कोई भी कानून लाए ना लाए, हम कह रहे हैं लोगों की जेब में पैसा आएगा, आप कच्चों को पक्का करो, आप बहुत ज्यादा भर्ती करो, आप जो निर्माण कल्याण बोर्ड है मजदूरों के लिए उनमें रजिस्ट्रेशन कराने को सुविधाएं दो, आप लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो बाजार चलेगा, तो उद्योग चलेगा, तो अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी, वरना इस संकट का हल नहीं होगा, नौकरियां और खत्म होंगी। इसलिए सरकार उस रास्ते पे चले, लेकिन सरकार नहीं चल रही है, इसलिए अपने रोजगार को बचाने के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए और अपने आने वाली नस्लों की जिंदगी के लिए हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, हम और मजबूत होकर आगे निकलेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत छोड़ो आंदोलन की 78th वर्षगांठ पर सत्याग्रह से जुड़ते हुए कर्मचारियों ने संघ में अपनी आवाज बुलंद की। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो निजी कारण, कर्मचारियों की छंटनी और तीनों अध्यादेश के विरोध में ये आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के माध्यम से वो कहना चाहते हैं कि सरकार कर्मचारी विरुद्ध फैसलों को छोड़ दे, क्योंकि आज ही के दिन जिस टाइम हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था और हमारे क्रांतिकारी नेताओं ने आज ही के दिन, आज ही की तारीख को सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हम कह रहे हैं साथियों, मोदी जी जैसे तानाशाह रवैया अपनाए हुए हैं, हम उसे गद्दी नहीं मांग रहे, कुर्सी नहीं मांग रहे साथियों, हम उसे सिर्फ यही कह रहे हैं आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से, भाई मोदी जी जो कर्मचारी विरोधी आपके फैसले हैं, विभागों को बेचने के फैसले हैं, निजीकरण की तरफ सारे के सारे देश को धकेल रहे हैं, इनको छोड़ो। हम यूँ नहीं कह रहे आप गद्दी छोड़ो या भारत छोड़ो, हम सिर्फ यो कह रहे हैं आपके जो गलत निर्णय है, जनता विरोधी निर्णय है, कर्मचारी विरोधी निर्णय है, मजबूर विरोधी निर्णय है, इनको छोड़ो और इन्हीं बातों को देखो। इस सत्याग्रह आंदोलन में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी, मजदूरों, किसानों, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इसी बीच 1983 पीटीआई ने भी अपनी बात सामने रखते हुए अपनी पुनः बेहाली के लिए जेल भरो आंदोलन किया। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 10 हुड्डा पार्क से नारेबाजियां करते हुए ये सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे और धारा 144 का उल्लंघन करने के जुर्म में जेल में डालने का आग्रह किया। ये कर्मचारी संगठन का सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का तरीका था।
कुरुक्षेत्र के साथ साथ हरियाणा के दूसरे शहर अंबाला, यमुनानगर, गुरुग्राम आदि में भी 9 अगस्त को कर्मचारी संगठन द्वारा आंदोलन किया गया। सरकार तक इस संगठन की मांग पहुंची तो जरूर होगी और बहुत जोर से पहुंची होगी। देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सरकार अपनी नीतियों में बदलाव लाएगी या कर्मचारी जन विरोधी नीतियों को यूं ही सहता रहेगा। हम आपके लिए आपसे जुड़ी खबरें यूं ही लाते रहेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा मीडिया न्यूज़।